लिख दिया गया है दशमलव वाला, आजकल एक आध को दशमलव वाला बन रहा है, तो इसमें बताना है कि गलत कौन है, इसमें गलत कौन है। तो हमको लॉजिक कोई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दशमलव वाला की, तो तीन से कितना हो गया है, डेढ़ हो गया, मतलब आधा हो गया है। तो आधा कहने का क्या मतलब, 0.5 आधा कहने का मतलब 0.5 है ना। इसमें इसमें हो क्या गया है कि 0.5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, आधा से गुना कर देंगे तो एक डेढ़ मिल जाएगा। एकरा एकरा में क्या हुआ है, एक से गुना हुआ, हाँ डेढ़ के बाद कितना क्या हो गया है, एक से गुना हो गया है भाई। पहले आधा से गुना हुआ और एक से गुना हुआ, तो अगला बार किससे गुना हो जाएगा, दो से, आधा से गुना हुआ फिर एक से गुना हुआ तो फिर डेढ़ से गुना, डेढ़ से गुना होगा, किससे गुना होगा, डेढ़ मतलब 1.5 है ना। जीरो एकरा में होना चाहिए हमको 1.5 से गुना, 1.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एकरा से एकरा में जाएंगे तो होना चाहिए हमको कितना, 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 ना, ये 15 सोचिए तो 15 यहाँ क्या होना चाहिए, 225 होना चाहिए था, यह 225 दशमलव देंगे यहाँ पर, या 2.25 कितना होना चाहिए था, 2.25 होना चाहिए था। तो भाई यहाँ तक पहले पकड़ाया हुआ है, अब यहाँ 2.25 में हमको कितना से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 2 से 2.25 में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो देखिए ये 225 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा कि नहीं आएगा, 450 मतलब दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं, खत्म। तो अब तो मिल रहा है लिंक, मतलब यही गलती है, कौन गलती है, ऐसा क्वेश्चन आजकल आ रहा है। ये आपके सामने एक सीरीज दे दिया गया है और ये सीरीज में बताना है कि अगला क्या होगा, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, 2 होगा, 2.5 होगा, 2.25 होगा कि 9 होगा। तो लिंक खोजना है कि 2 से कितना हो गया है, आधा हो गया, आधा मतलब कितना, 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, ये क्या हुआ, इसमें 0.5 होते एक, इसमें क्या हुआ, 1 से 1 हो गया, मतलब 1 के से गुना हुआ, तो देख रहे हैं आधा से गुना हुआ फिर 1 से गुना हुआ, ये कितना हो जाएगा, फिर डेढ़ से 1.5 मतलब 1 में 1.5 से गुना करेंगे तो यही ना होगा। अब अगला क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, अब अगला जो हमारा होना चाहिए कि डेढ़ से गुना किए है तो अगला क्या हो जाएगा, 2 से हम गुना करेंगे तो डेढ़ में 2 से गुना करेंगे तो 3.0 आना चाहिए ना, तीन आंसर होना चाहिए, 3.0 मतलब 3 जबकि इसमें नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। अभी देखिए ये है, ये 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सीरीज दे दिया गया है, छोटा मोटा वाला है ये है, गुना उना जोड़ने उड़ने वाला लॉजिक कुछ स्क्वायर वाला करेगा काम, तो छोटा रहेगा तो गैप निकाल लेते हैं, ये गैप निकाल लेते हैं तो ये हो जाता है प्लस, एकरा में गैप निकालते हैं तो प्लस 3, एकरा में गैप निकालते हैं तो प्लस 5, एकरा में गैप निकालते हैं तो प्लस 7 है, एकरा बाद अब क्या होना चाहिए, 9 सर, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, 9। चलिए अब एक मिनट रुकिएगा थोड़ा देर, अब ये क्वेश्चन में आते हैं, ये दोनों में लॉजिक क्या है, एक ऊपर करते हैं नीचे जगह नहीं है, एकरा एकरा में एक प्लस 1 बढ़ गया, एकरा में 3 प्लस 3 बढ़ गया, एकरा में 5 प्लस 5 बढ़ गया, एकरा में 7 प्लस 7 बढ़ गया, आगे क्या बढ़ना चाहिए, 9 प्लस 9 करना। अब रुक जाइए, इस 1, 3, 5, 7 कुछ सीरीज दिख रहा है, ये विषम संख्या वाला बढ़ते जा रहा है, तो विषम संख्या तो ठीक है, तो 26 और 9 कितना हो जाएगा, 36 35। तो यहाँ 35 सही है, इसका उत्तर 35 हो जाएगा, ठीक है, उसका उत्तर 36 नहीं है, यहाँ सर शुरू में विषम नहीं है, सम देखिए सम नहीं है, तो सर हम उधर प्लस 8 कर दिए हैं, हाँ तो प्लस 8 भी नहीं होगा, देखिए ये 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 7 हुआ, तो 2, 3, 5, 7 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए ना, 7 के बाद प्राइम नंबर हमारा क्या आता है, 11 आता है ना, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 9 आ जाएगा तो 1 से भी कट जाएगा,
तीन से भी कट जाएगा, नौ से भी कट जाएगा। तो जो संख्या दो से अधिक से कट जाता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस सात के बाद नौ नहीं आएगा, मास्टरवा से यही ले झगड़ा हो गया था। लड़का कह रहा था कि आप बता दिए कि दो आगे हो जाएगा नौ, लेकिन आप शुरू में ध्यान नहीं दिए कि ये प्राइम नंबर वाला था। मास्टर कह रहा है कि देखो दो दो बढ़ रहा है तो आगे भी नौ होता। तो लड़का कहता है ना आंसर गलत है, मार के आया था तो आंसर गलत आ गया था। तो यहाँ ध्यान नहीं दिया कि हमारा ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या बढ़ रहा है। तो ग्यारह ये कितना हो जाएगा, ये आठ हो जाएगा, अड़तीस हो जाएगा। इसका ऑप्शन अड़तीस सही है। सब मार के आएगा इसका आंसर कितना, छत्तीस। लेकिन छत्तीस नहीं, तुरंत दो दो बढ़ाएगा और फिर सात के बाद नौ बढ़ा देगा, लेकिन वो वाला बात यहाँ नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, आप समझिए। ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ इसलिए करवाए कि कुछ समझ में आ जाए। एक से हो रहा है तो जाएगा विषम संख्या, दो से जा रहा है वो जाएगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वाला बात। सब बात को ध्यान रखना है, ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, खास करके इसमें। जब ये दुद्दू वाला बढ़ रहा होगा विषम संख्या और प्राइम नंबर वाला, उसमें खास करके ध्यान रखना है ऑप्शन में, न तो गलती मरा जाएगा। गलती मराने का चांस है। अब लॉजिक पकड़ लेते हैं, कह रहे कि हम छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ के भागना नहीं है, बनाना है उसको। इस टाइप के क्वेश्चन पकड़ना, हम वो छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, तो एक दिन और चलेगा यार, जैसे ऐसे वाला देता है, ऐसा रहेगा, ये रहेगा। उसके बाद क्या कहेगा कि फिर एमए दे देगा, एमए दे देगा, कहेगा कि एमए कौन आएगा से बताइए, व्हाट में कौन आएगा। तो ऐसा ऐसा वाला फिर अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है, आज के लिए काफी है, फिर अब अगला दिन पढ़ लेंगे। चलिए कल खत्म हो जाएगा।